हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोग लेकर आया हूं वेस्ट फेस हाउस प्लान, मतलब कि जो हमारा घर का मुख है वो पश्चिम दिशा की तरफ है। और अगर बात करते हैं प्लॉट की साइज की तो 30 फीट बाई 40 फीट के अंदर हमारा प्लॉट है और एक ही साइड से प्लॉट ओपन है, बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है, किन्नी और का भूखंड है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हमारी प्लॉट की चौड़ाई की, जो कि हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है वो हमारे पास है 30 फीट है, 30 फीट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है। और अगर बात करते हैं हमारी प्लॉट की लंबाई की, जो कि हमारी यहाँ से लेके यहाँ सामने तक है वो हमारे पास है 40 फीट है, 40 फीट हमारे पास प्लॉट की लंबाई है। तो 30 × 40 हमारे पास टोटल प्लॉट का एरिया हो जाएगा। और वेस्ट फेस है, पश्चिम दिशा की तरफ हमारा प्लॉट का मुख है और बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है, किन्हीं और का प्लॉट है। तो चलिए दोस्तों इसकी सामने से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर हमारे पास 9 फीट का मेन गेट आ रहा है। इस मेन गेट को हम जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है पार्किंग, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट बाई 12 फीट है, 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा पार्किंग है। यहाँ पर हमारी कार तो पार्क नहीं होगी, बट यहाँ पर आराम से हमारी 4 या 5 बाइक जरूर पार्क हो जाएगी, ठीक है। पार्किंग के जैसे आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास घर का मेन डोर आ रहा है, मुख्य दरवाजा 4 फीट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो इसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और कॉमन टॉयलेट बना हुआ है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट 3 इंच बाई 7 फीट है, 5 फीट 3 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 7 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन टॉयलेट हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन पार्किंग एरिया की तरफ निकल रहा है। अब कॉमन टॉयलेट वापस बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास आ रहा है डाइनिंग और लिविंग एरिया, जिसकी हमारे पास साइज है 13 फीट बाई 15 फीट 9 इंच है, 13 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 15 फीट 9 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया हुआ। और डाइनिंग और लिविंग एरिया यहाँ पर आते हैं वापस तो यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा पहला बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट है, 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा बेडरूम हो गया, जिसकी एक 4 फीट की विंडो सामने निकली और एक 4 फीट की विंडो पार्किंग एरिया की तरफ निकल रही है। बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए दोस्तों, ड्रेसिंग है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 5 फीट है, 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच ड्रेसिंग है। और इसी के साथ में 2.5 फीट का दरवाजा और अटैच टॉयलेट है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 6 फीट 7 इंच है, 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 6 फीट 7 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच टॉयलेट हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन सामने निकल रहा है। अब अटैच टॉयलेट वापस बाहर आता है अटैच ड्रेसिंग, ड्रेसिंग से वापस बाहर आते तो बेडरूम, और बेडरूम से वापस बाहर आते तो ये हमारा वही डाइनिंग और लिविंग एरिया। डाइनिंग और लिविंग एरिया की इस तरफ देखिए दोस्तों, हमारे पास स्टेयर केस है, यहाँ से आप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे, 3.5 फीट बाई 7 फीट का हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग है। अब स्टेयर केस जहाँ डाउन हो रहा है उसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा घर का दूसरा बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट बाई 12 फीट, 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा बेडरूम हो गया, जिसकी 4 फीट की विंडो इस OTS के अंदर निकल रही है। यहाँ पर पीछे हमने OTS छोड़ रखा है 5 फीट बाई 5 फीट का, इस OTS के अंदर इस बेडरूम की विंडो निकल रही है। अब बेडरूम से वापस बाहर आते हैं, जिसके जस्ट पास में यहाँ पर पूजा रूम बना हुआ, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 6 फीट 7 इंच है, 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 6 फीट 7 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा हो गया पूजा रूम, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी इस OTS के अंदर निकल रहा है। पूजा रूम से वापस बाहर आते हैं तो इसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा किचन है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट, 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा किचन हो गया, जिसकी 4 फीट की विंडो भी इस OTS के अंदर निकल रही है। तो चलिए मैं आपको इसको एक साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पश्चिम दिशा, 9 फीट का मेन गेट, पार्किंग, घर का मेन डोर, कॉमन टॉयलेट, डाइनिंग और लिविंग एरिया, बेडरूम, इस बेडरूम का अटैच ड्रेसिंग, अटैच टॉयलेट, यहाँ पर स्टेयर केस, बेडरूम, पूजा रूम, किचन और यहाँ पर हो गया OTS। तो चलिए मैं आप इसको जूम करके धीरे धीरे दिखाता हूँ, ताकि आपको पूरी डायमेंशन वगैरह अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन आती है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।